और मैं तो कह रही हूँ कि रिटायरमेंट ले लीजिए, आप तो रिटायरमेंट का एज आ गया, मगर उनको तो अभी इन्हीं के वोटों के द्वारा चुनकर आना है। क्यों? तो उनको उप मुख्यमंत्री पद का दावेदार लोगों के घर के तरफ से, सीवर लाइन नहीं है, पीने का पानी नहीं है, स्ट्रीट लाइट नहीं है, रोड नहीं है, मालिकाना पट्टा जो हक पट्टा मिलना चाहिए, झोपड़पट्टियों में पिछले 15 साल से जो लोग रह रहे हैं, ये गवर्नमेंट का जीआर है, फिर भी आके विधायक ने उनके लिए कुछ नहीं किया। ये बेसिक चीज़ों के लिए आज भी उत्तर नागपुर की जनता परेशान है। कई जगह देखा गया है, वाकई में आप लोग भी टीम की तरह ही काम करते हो, क्योंकि कांग्रेस पे ज़्यादा आरोप लगाते बजाय बीजेपी पे। अरे बीजेपी के ऊपर आपने सवाल पूछा, इसलिए तो बीजेपी का तो यह हाल है कि हमने तो अभी बोला है कि भाई बीजेपी को अगर अपने मुद्दों के ऊपर और अपने काम के ऊपर अगर इलेक्शन लड़ना है तो वो नोटबंदी पे लड़ ले। 10 साल पहले नोटबंदी लगाई थी, आज नोटबंदी पे लड़ ले कि भाई नोटबंदी का हम डबल से लागू करेंगे। नमस्कार, मैं हूं अनुष्का राय और आप देख रहे हैं इंडिया फैक्ट न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की खबर की। नमस्कार यादव, आप देख रहे हैं इंडिया फैक्ट न्यूज। जैसे कि आप जानते हैं कि उत्तर नागपुर की जो राजनीति है अभी सबसे ज़्यादा हॉट चल रही है। कुछ देर पहले आपकी थी डोंगरी मैम ने भी ये बात बताई कि पूरे विदर्भ में सबसे ज़्यादा हॉट जो सीट मानी जा रही है वो उत्तर नागपुर मानी जा रही है, जहाँ से आप AIMI पार्टी की कैंडिडेट है और विपक्ष में इनके बीजेपी से मिलन माने हैं और उत्तर नागपुर से नितिन राउत है। पर नितिन राउत, इनका आरोप है कि कुछ काम नहीं किया। हम कीर्ति मैम से बात करेंगे, लेकिन हम पहले बात करेंगे उससे पहले शकील पटेल साहब से, जो कि MIM के काफ़ी सीनियर लीडर है, काफ़ी अनुभवी लीडर है। आइए उनसे बात करते हैं। शकील सर, चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमने पहले भी इंटरव्यू लिया था, आपने बयाती बता दिए थे कुछ कांग्रेसी नेताओं को, आज क्या बताने वाले? नहीं, दरअसल क्या होता है कि आप अभी देख रहे हो कि इतना बड़ा इलेक्शन है और इलेक्शन के अंदर हमारे कलते कांग्रेस के लोग बोलते मुसलमानों को कि आप हम भर भरा के वोट डालो, लेकिन आप अफसोस की बात है कि कोई भी स्टेज पर देखिया जाए तो कोई मुसलमानों का बड़ा लीडर वहाँ पे मौजूद नहीं रहता। सारे के सारे लोग सामने भीड़ जमाने का काम कर रहे हैं, दरी बिछाने का काम कर रहे हैं। तो मैंने पिछले बार भी बोला था कि सिर्फ इनको कलते कुर्सी उठाने दरी बिछाने के लिए रखा जा रहा है, बाकी किसी काम के लिए नहीं रखा जा। अधिकार की बात हो तो अधिकार नहीं दिया जा रहा है, ये पहले भी था और आज भी है। और दूसरी खास बात क्या गिना क्या रहे ये लोग कि भाई मुसलमानों के मस्जिदों पे हमने सोलर लगाया। अच्छा। तो हमारा ये कहना है कि भाई सोलर तो आपने जो लगाया है वो अपने फायदे के लिए लगाया है, ताकि बता सके मुसलमान कौम इतनी कमज़ोर नहीं है कि अपने मस्जिदों के लिए तुम्हारे को सोलर लगा सके। हाँ। 4-5 लाख रुपये जमा करने में हमारे को ज़्यादा बड़ा नहीं आता, और 2.5-3 लाख रुपये के आपने सोलर लगाया और बता रहे कि हमने एहसान किया। मुसलमानों की हालत इतनी ख़राब नहीं कि अपने इबादत गाह को कि आपके सोलर की ज़रूरत नहीं है, आपने को एक अपना नाम बताना था इसलिए लगाया। तो मेरा ये कहना है कि भाई आप इतने सालों से मुसलमानों का क्या डेवलप किए, कमेंट किए ये बताइए, कितने कारोबार में मदद किए ये बता दिए, कल तक गवर्नमेंट की स्कीमें आ रही है उसमें से किसके लोगों को आपने लोन दिया ये बताइए। आप तो यह हाल है कि सेकंड नंबर के मंत्री रहे नागपुर में और पूरे महाराष्ट्र के सेकंड नंबर के मंत्री रहे, और अफसोस की बात यह है कि आपने यहाँ पे कॉरपोरेशन में जो लोग कल तक बेरोजगार गए उसका भी मुद्दा नहीं उठाया। आज कॉरपोरेशन में पूछे पुराने रिकॉर्ड के हिसाब से 4,226 लोग कल तक ज़रूरत है, जिला परिषद के अंदर 5,310 लोगों की ज़रूरत है, और पूरे महाराष्ट्र में कल तक जो एम्प्लॉय की ज़रूरत है वो 4.5 लाख है। इसका तो मुद्दा कभी आपने उठाया नहीं, और हमें बोलते हो कि कल तक आप बी टीम है, ये अफसोस की बात है। ऐसा तो कई जगह देखा गया है, वाकई में आप लोग बी टीम की तरह ही काम करते हो, क्योंकि कांग्रेस पे ज़्यादा आरोप लगाते बजाय बीजेपी पे। अरे बीजेपी के ऊपर आपने सवाल पूछा, इसलिए तो बीजेपी का तो यह हाल है कि हमने तो अभी बोला है कि भाई बीजेपी को अगर अपने मुद्दों के ऊपर और अपने काम के ऊपर अगर इलेक्शन लड़ना है तो वो नोटबंदी पे लड़ ले। 10 साल पहले नोटबंदी लगाई थी, आज नोटबंदी पे लड़ ले कि भाई नोटबंदी का हम डबल से लागू करेंगे, कितने वोट मिलते हैं ये बता दे। आज महंगाई का जो मुद्दा है वो दिनों दिन कलते बढ़ते जा रहा है। एक तो बोलते कि 1500 रुपये हमने यहाँ पर दिए, 2500 रुपये आदमी से निकाल लिए, और तीसरा मुद्दा है स्वास्थ्य का। आज क्या हाल है स्वास्थ्य का, बड़ी बड़ी इमारतें बना ली इन्होंने, दवाखाने बना ले, लेकिन डॉक्टर और नर्स गायब है। तो ये जो मुद्दे, एजुकेशन का यह हाल है कि स्कूलें लगातार बंद हो जा रही है, आम आदमी परेशान है कि अपने बच्चों को प्राइवेट के स्कूल में पढ़ा के कितना दिया जाए, 10,000 रुपये 12,000 रुपये कल तक फीस ली जा रही महीनों की। तो ये जो मुद्दे हैं स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार,
इसके ऊपर पूरी की पूरी बीजेपी फेल हो चुकी है, इसलिए वो धार्मिक मुद्दे और ऐसे कलते फुकट वाले मुद्दे ला रही है कि भैया हम कलते 1500 रुपये दिए तो आपने कोई एहसान थोड़ी किया। तो ये हमारा ये कहना है कि बीजेपी ये पूरी फ्लॉप हो चुकी है, कांग्रेस कलते मुसलमानों को पसंद नहीं कर रही, इसलिए सबसे अच्छा दलित मुस्लिम आदिवासी ओबीसी के लिए सबसे बड़ा एक ही कलते मुद्दा रहा है और वह है एमआईएम। और एमआईएम के तरफ से हमने सोशल इंजीनियरिंग का इतना बड़ा काम किया है कि कीर्तिताई डोंगरे हमारी पूरी महाराष्ट्र की अध्यक्ष है, हमारे लिए कलते पूरे महाराष्ट्र में इम्तियाज जलील के बाद सेकंड नंबर की सीट है जो हमारे को चुनकर लाना, इतनी महत्वपूर्ण सीट है, उस सीट के ऊपर हम मेहनत कर रहे हैं। और ये बोलते हैं हमारे को बी टीम, तो भाई बी टीम अगर है तो आपने 2014 में किशोर गजबीये को बोला था बी टीम है, फिर 2019 में उसको कैसा क्या कलते आपने टिकट दे दिया और बोलते कि इनके वजह से हम हार जाएंगे, तो हमारे ही 2019 में भी कीर्तिताई डोंगरे खड़ी थी, उस टाइम तो आप हारे नहीं। तो भाई काम और काम के वजह से आपने काम नहीं किया इसलिए कलते आप हार रहे हो। और बात यह है कि आप इसलिए बोल रहे हैं हम राउत साहब को क्योंकि राउत साहब अभी कलते आमदार है, उसके ऊपर ही बोला जाएगा ना, जो आमदार नहीं उसके ऊपर क्या बोला जाएगा। तो मैम ये कह रहे हैं कि राउत साहब आमदार है इसलिए उन पर आरोप लगाया जा रहा है, तो मैं ये जानना चाहूँगा मैम, आप इससे पहले भी चुनाव लड़े थे पर सफलता नहीं मिल पाई, तो फिर इस बार कैसे लग रहा है कि आपको सफलता मिल पाएंगी? देखिए कैसा है ना, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देती हूँ, सफलता मिलना या ना मिलना ये दूसरी बात है, पहली बात ये है कि हमारी लड़ाई हमारी हिस्सेदारी की है और हमारे हिस्सेदारी के लिए हम अब जागरूक हो गए हैं। हमें ये पता है कि अभी तक के जिनको वोट देते आए हैं हम लोग, जिनको हमने इतना प्यार दिया उत्तर नागपुर से, वो हमारे किसी काम के नहीं रहे, और अब वो अगर हमारे किसी काम के नहीं रहे तो हमें विकल्प तो ढूंढना पड़ेगा ना, और अगर विकल्प ढूंढना है तो अभी जो हमारी बात पूरे भारत के अंदर किसी भी जात पात को न देखते हुए कर रहे हैं तो वो एक ही है, सांसद के अंदर शेर की तरह दहाड़ने वाले, बिना डरे बोलने वाले, बिना किसी के प्रेशर में आके जो बिल लोगों के फायदे के लिए ना हो उसको फाड़ने वाले ऐसे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एक विकल्प बन के सामने आई है, और इस विकल्प को हम उत्तर नागपुर के अंदर हिस्सेदारी लेकर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, और ये कोशिश है हमारी तो आज नहीं तो कल कामयाब होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। आज लोग समझ गए हैं, आज लोग परिवर्तन चाह रहे हैं, तो परिवर्तन के लिए हम बिल्कुल एक अच्छा और स्ट्रॉन्ग विकल्प बन के उत्तर नागपुर के अंदर इस वक्त है। अभी आप जैसे कि दौरे पे निकल गई हो, लोगों से मिल गई हो, तो कैसी कैसी लोगों की समस्याएं आपको देखने को मिल रही है? समस्या तो बाप रे, मैं बोलूं कि एक विधायक का काम जो होता है वो उसके क्षेत्र को डेवलपमेंट करना होता है, और डेवलपमेंट किस चीज़ों को लेकर होती है, तो वहाँ पर रह रहे लोगों को जो फैसिलिटीज़ मिले, मेडिकल का, एजुकेशन का, स्कूल्स का, उसके बाद में वहाँ पे अपने क्षेत्र के लोगों के लिए गार्डन, ग्रीनरी जिसमें आ गया, उसके बाद में समाज भवन, उसके बाद में ग्राउंड बच्चों के लिए खेलकूद का, उसके बाद में रोज़गार किस तरीके से प्रोजेक्ट लाके वहाँ के लोगों के लिए रोज़गार दे सके, कैसे प्रोजेक्ट गवर्नमेंट से लाकर वहाँ के लोगों को फ़ायदा पहुँचा सके, ये एक विधायक का काम होता है। पर इतने सालों से, लगभग 15-20 साल से कंटिन्यू विधायक रहने के बाद भी आज उत्तर नागपुर की जनता बेसिक फैसिलिटीज़ के लिए भी तरस रही है, गडर से पानी बह रहा लोगों के घर के तरफ से, सीवर लाइन नहीं है, पीने का पानी नहीं है, स्ट्रीट लाइट नहीं है, रोड नहीं है, मालिकाना पट्टा जो हक पट्टा मिलना चाहिए, झोपड़ पट्टियों में पिछले 15 साल से जो लोग रह रहे हैं ये गवर्नमेंट का जीआर है, फिर भी आके विधायक ने उनके लिए कुछ नहीं किया, ये बेसिक चीज़ों के लिए आज भी उत्तर नागपुर की जनता परेशान है। तो बताइए ये विधायक ने इतने सालों से अपने क्षेत्र के लिए क्या किया, ये फेल हो गया, तो लोगों का जो रोष है, जो गुस्सा है, वो इसीलिए है कि जितने इतने सालों से हम इनको प्यार देते आ रहे हैं, वोट देते आ रहे हैं, मगर ये हमारे किसी काम के नहीं है। जैसे कि यहाँ पे एक अम्बेडकर हॉस्पिटल का भी निर्माण हो गया था, अम्बेडकर हॉस्पिटल का ही उठ के और चला गया है, तो इस पे आपके क्या प्रतिक्रिया है नितिन राउत के लिए? अम्बेडकर हॉस्पिटल कहीं और शिफ्ट होने वाला था,
जैसे ये बात हम सबको पता चली, अंबेडकर राइट्स लोगों को पता चली, तो सबसे पहले तो मैं ये बात कहना चाहती हूँ, आप इस क्षेत्र के विधायक हैं, यहाँ इस क्षेत्र के अंदर जो उलाढाल होते हैं वो एक विधायक को सबसे पहले पता चलता है। जब इसकी बात इतनी सामने आई कि ये यहाँ से वहाँ होना है तो आप चुप क्यों थे? ये मुद्दा लोगों ने उठाया, ये मुद्दा लोगों ने आंदोलन के तौर पर अंबेडकर हॉस्पिटल के बाहर बैठकर अपने विधायक को जगाया है, इसकी नौबत आ रही है? मतलब आपको आपके क्षेत्र के अंदर काम करने के लिए लोग जगाएंगे, या आपको पहले से ये बताना चाहिए था कि ये मेरे क्षेत्र का हॉस्पिटल है, ये कहीं और नहीं जाएगा? इस तरीके से जो हरकतें ये कर रहे हैं, कहीं ना कहीं इनकी मिली भगत आज लोगों को उत्तर नागपुर के अंदर समझ में आ गई है। ये भी कहा जाता है नितिन राउत के द्वारा कि उन्होंने इस्लामिक कल्चर सेंटर बनाया, ईदगाह के लिए ज़मीन भी दी गई और अंबेडकर कल्चर सेंटर भी बनाया, फिर आप लोग ऐसे आरोप क्यों लगाते हो कि यहाँ पे डेवलपमेंट है ही नहीं? अच्छा, जितनी चीज़ें अभी आपने गिनवाई हैं, शादी खाना हो, ईदगाह हो, कब्रिस्तान हो, जो भी आपने अभी उनके माध्यम से कि वो कहते कि इन्होंने ये डेवलपमेंट किया, तो मैं कहूँगी विधायक जी ज़रा ज़मीन पे उतर के जिनके लिए आपने ये सारी चीज़ें की, ज़रा उनके बीच में जाके पूछिए, तो ज़रा उनके बीच में जाके बोलिए तो, ईदगाह के लिए जो ज़मीन दी है, ये जो चीज़ें, ये लोग खुद बताएंगे कि ये एक सिर्फ और सिर्फ लॉलीपॉप दिया जा रहा है। अब जनता इतनी समझदार हो गई है कि इन्हें ये पता है कि ये विधायक टोटली कम्प्लीटली फेल हो गए, और फेल होने के लिए देखिए ना, साल में क्लास में फेल होने के लिए एक साल मिलता है, ये तो इतना लकी रहे हैं कि इनको 15-20 साल मिले और तब भी ये अपने आप को प्रूफ नहीं कर पाए। इतने सालों के बाद जहाँ इस क्षेत्र से आप विधायक बनते हैं, वहाँ से आपको आपकी जनता, जिन्होंने वोट आपको दे के बनाया विधायक, वो खुद जनता आपको पसंद नहीं कर रही, इसका मतलब आप फेल हो गए। और मैं तो कह रही हूँ कि रिटायरमेंट ले लीजिए, आप तो रिटायरमेंट का एज आ गया, मगर उनको तो अभी इन्हीं के वोटों के द्वारा चुनकर आना है। क्यों? तो उनको उप मुख्यमंत्री पद का दावेदार मिलेगा, इसीलिए चुन के आना है, इसीलिए इनको वोट मांगने निकल रहे हैं। पर अब जनता इस बात को नकार रही है, इस विधायक को नकार रही है, क्योंकि ये एक विधायक अपना खुद का डेवलपमेंट कर रहा है, अपने क्षेत्र का नहीं। और क्या कहना चाहेंगे आप जाते जाते हमारे दर्शकों को? जाते जाते मैं इंडिया फैक्ट न्यूज़ के सभी दर्शकों को और उत्तर नागपुर के सभी मतदाताओं को ये अपील करना चाहती हूँ कि जिस तरीके से उत्तर नागपुर के मतदाता परिवर्तन की बात कर रहे हैं, तो परिवर्तन के लिए मैं कहूंगी कि 26 उम्मीदवार इस वक्त उत्तर नागपुर में मौजूद हैं। इन 26 उम्मीदवार में मैं एक महिला कैंडिडेट हूं, मजलिस की, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की कैंडिडेट कीर्ति दीपक डोंगरे। तो परिवर्तन की बात कर रहे हैं, तो इससे अच्छा और परिवर्तन क्या होगा कि सारे पुरुषों को एक तरफ कर दीजिए और मुझे कीर्ति दीपक डोंगरे को यहाँ का अपना, अपने हक की आवाज़ का अपना, आपका अपना आमदार, आपका अपना विधायक चुन के लाइए, और हम दिखाएंगे उत्तर नागपुर के अंदर इन लोगों को कि परिवर्तन होने के बाद कार्य कैसे किया जाता है। मैं हमेशा कहती हूँ कि अगर मैं उत्तर नागपुर की विधायक बन के आती हूँ तो मैं बिफोर एंड आफ्टर में काम करके दिखाऊंगी, अगर मैं उत्तर नागपुर की विधायक बन के आती हूँ तो मैं यहाँ की सेवक बन कर रहूँगी, क्योंकि ये तो राजनेता बनकर ज़मीन से उठकर सीधा आसमान पे चले जाते हैं, और आसमान से तभी नीचे उतरते हैं जब इनको सिर्फ आपके वोट की ज़रूरत होती है। पर एक विधायक जब चुन के आता है तो याद रखिए उस क्षेत्र का वो ऐसा सेवक बन जाता है कि उस क्षेत्र के लिए वो पूरे तरीके से सरकार के साथ लड़कर उस क्षेत्र का डेवलपमेंट कर सके। उत्तर नागपुर की जनता को, उत्तर नागपुर के मतदाताओं को मैं बस यही बात कहना चाहूँगी कि इस बार सिर्फ परिवर्तन अगर आप चाह रहे हैं तो आपके सामने एक बहुत अच्छा और स्ट्रॉन्ग विकल्प है मजलिस। मैं हूं कीर्ति दीपक डोंगरे, और आपको मैं और एक बात बता दूं कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन मुस्लिम बौद्ध एससी एसटी आदिवासी संगठन को साथ लेके चल रही है, एक समुदाय पूरी तरह से मेरे साथ है, मेरे मुस्लिम भाई बहन पूरी तरह से मेरे साथ है, मेरे बौद्ध, मेरे अम्बेडकरवादी लोग मेरे साथ है। अगर आपने भी साथ दिया तो हम
उत्तर नागपुर को परिवर्तन के साथ साथ ऐतिहासिक परिवर्तन में बदल सकते हैं। मैं अपील करती हूँ कि आने वाले 20 तारीख को आप पतंग का बटन दबा के, 10 नंबर की बटन है पतंग को चुनिए और उत्तर नागपुर का इतिहास बनाइए। धन्यवाद भाई, चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया जी भाई। नहीं, जैसे कि पूरे महाराष्ट्र के अंदर में चुनाव चल रहे हैं, इसी कड़ी में हम लोग उत्तर नागपुर के अंदर में डोर टू डोर कैंपेनिंग कर रहे हैं। आज नई बस्ती के अंदर में एक जनसभा को हमने आयोजित किया था, बहुत अच्छा पब्लिक में हमें रिस्पांस मिल रहा है और जो पिछले 20 सालों की इंटर इनकम्बेंसी है उसका पूरा पूरा फ़ायदा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को मिल रहा है। लोग प्यार दे रहे हैं, मोहब्बत दे रहे हैं और इससे बढ़कर लोग ये कह रहे हैं कि हम आपके साथ में हैं, है ना। हम वहाँ लोगों के पास जा रहे हैं तो हमें वोट मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। लोग कह रहे हैं कि आप बिल्कुल आगे बढ़िए, हम आपके साथ में हैं। बहुत अच्छा माहौल है, ऐसे ही माहौल जो है 2019 के अंदर में जो मैंने औरंगाबाद में देखा था, आज उसी का इतिहास को दोहराते हुए आज उत्तर नागपुर के अंदर में ये लोग हम जो चीज़ देख रहे हैं, और मुझे यकीन है कि उत्तर नागपुर की जनता एक इतिहास रचने जा रही है और हम सब कीर्ति मैडम के साथ में उसका हिस्सा बनने जा रहे हैं। और आने वाले 23 तारीख को हमें पूरी उम्मीद है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एक बड़ी कामयाबी यहाँ पर अर्जित करेंगी और हम एक RSS के गढ़ से अल्हम्दुलिल्लाह एक हरा और नीला परचम लहराकर विधानसभा में हम हमारी बहन को भेजने जा रहे हैं। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। यदि आप हमारे चैनल पर विज्ञापन देना चाहते हैं तो नीचे दिए गए मेल ID या कॉन्टेक्ट नंबर पर संपर्क कर सकते हैं और इंडिया फैक्ट न्यूज से जुड़ने के लिए हमारे पेज को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली खबर तक के लिए फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।